आजमगढ़ जिले के पुलिस लाइन सभागार में यातायात माह का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के एसपी अनुराग आर्य के साथ बड़ी संख्या में परिवहन विभाग के अधिकारी, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, एनसीसी के जवान उपस्थित रहे। इन सभी लोगों को यातायात के बेसिक नियमों के बारे में जागरूक करते हुए सड़क सुरक्षा के नियम पालन करने की शपथ दिलाई गई, जिससे कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके या उनमें कमी लाई जा सके। इस अभियान का मुख्य मकसद यह है कि जिस तरह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इन दुर्घटनाओं को यातायात का नियम पालन करके ही रोका जा सकता है। यातायात माह का शुभारंभ करते हुए जिले के एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि इस यातायात माह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। इसके साथ ही सभी लोग सड़क पर चलते समय हेलमेट, अगर कार से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, गलत दिशा में गाड़ी न चलाने के साथ ही शराब पीकर गाड़ी न चलाने के बारे में भी उन्होंने जागरूक किया। सभी बच्चों से यह भी अपील की गई कि अपने घरों में अपने परिजनों को भी इस विषय में जागरूक करें, जिससे कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। एसपी ने बताया कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 40% सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी आई है। जागरूकता से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके साथ ही जो लोग बार बार नियम तोड़ते हैं, उनके खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि घटनाओं को रोका जा सके। आज पुलिस लाइन सभागार में ट्रैफिक से रिलेटेड सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया गया। आरटीओ साहब, उसकी ट्रैफिक साहब, उसके आर साहब, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। यातायात माह का आज शुभारंभ किया गया है। इसमें खास करके जो स्कूली बच्चे हैं, चालक हैं, हमारे पुलिस के भी जवान हैं, उनके साथ बैठ के और उनको इसके बारे में ब्रीफ किया गया। जो यातायात के बेसिक नियम है जिनका पालन किया जाना चाहिए, उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया। जागरूकता है तो कुछ पैम्फलेट्स वितरित की गई। ये पूरे माह हमारा कैंपेन चलेगा, जिसमें रैलियाँ भी निकाली जाएंगी और बीट कॉन्स्टेबल्स के माध्यम से भी गांव-गांव में भेज के लोगों को जागरूक किया जाएगा। मोटा मोटी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हेलमेट लगाएं, अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो हेलमेट लगाएं, गाड़ी में है तो सीट बेल्ट लगाएं, नशे का सेवन करके किसी प्रकार का कोई वाहन ना चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, रॉन्ग साइड बिल्कुल ना चलें और किसी भी ऐसे वाहन में जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह है उसमें भर के ना चलें जो दुर्घटना का कारण बन सकता हो और लोगों की जान को खतरा पैदा हो। अगस्त 2023 तक का हम लोगों ने आंकड़ा कंपेयर किया और उसमें लगभग 40 एक्सीडेंट ऐसे हैं जिसमें हमने फेटल, मतलब जिसमें लोगों की मृत्यु हुई, उसमें कमी आई है। मृतकों की संख्या में भी 40 के आसपास की कमी आई है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि जितना हो सकता है उतना, नंबर एक तो जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक करके और नंबर दो एनफोर्समेंट की जो बार बार उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके, ताकि लोगों को जिम्मेदारपूर्ण तरीके से वो वाहन चलाएं और एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो। यही प्रयास लगातार है और ये लगातार जारी भी रहेगा।